बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की चार टीमें सर्वे कर रही है। परिसर में अलग अलग लोकेशन का सर्वे लगातार किया जा रहा है। पश्चिमी दीवार के सर्वे में एएसआई की टीम जो है वो जुटी हुई है। गुंबद का सर्वे किया जा रहा है, लगातार वीडियोग्राफी की जा रही है, फोटोग्राफी की जा रही है, ताकि किसी भी तरीके का सवाल बाद में जो है वो ना उठाया जा सके। और हमने हर बार देखा है कि जब भी एएसआई की तरफ से सर्वे किया जाता है तो ऐसे में वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हमेशा की जाती है। तो एएसआई सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक कुल मिलाकर अपडेट आपको बता दें कि 9:30 का वक्त हो चुका है, 2.5 घंटे बीत चुके हैं। चार अलग अलग लोकेशंस पर लगातार जो है चार अलग अलग टीमें सर्वे कर रही हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी लगातार की जा रही है। अमित मेरे साथ लगातार बने हुए। अमित, अपनी बात पूरी कीजिए, कोर्ट की तरफ से खुदाई को लेकर क्या कुछ कहा गया है? देखिए, खुदाई के लिए कभी कोर्ट ने ये मना नहीं किया एएसआई को कि आप खुदाई मत करिए। कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि ज्ञानवापी परिसर को किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से कोर्ट ने कहा है कि जीपीआर सिस्टम का आप इस्तेमाल करिए, साइंटिफिक मेथड का आप इस्तेमाल करिए, साइंटिफिक तरीके से पता लगाइए कि दरअसल ये गुंबद जो आप पीछे देख पा रहे हैं गुंबद कितने सालों का है, जो पश्चिमी दीवार है वो कितने सालों का है, साइंटिफिक तरीके से पता लगाने के लिए कहा है। लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से एएसआई को नहीं मालूम चल पाएगा कि आखिरकार कितने सालों का, तो जाहिर तौर पर खुदाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे में कोर्ट के आदेश में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि आप खुदाई कर नहीं सकते हो, आप खुदाई कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कहीं ये कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि और कहा है ये कि बहुत महत्वपूर्ण बात अमित आप बता रहे हैं कि देखिए कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो खुदाई की जा सकती है। अमित, लौटेंगे आपके पास, नजर बना के रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। देखिए, दूसरी तरफ ज्ञानवापी केस में जिस कार्बन डेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी मदद से मध्य प्रदेश के खंडवा में पहले भी एक विवाद को सुलझाया जा चुका है। वहां महादेवगढ़ मंदिर में सर्वे के बाद एएसआई ने बताया कि वो शिव मंदिर 12वीं सदी का है, जबकि वहां शिवलिंग के करीब कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था, जिसके खिलाफ केस किया गया। तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने 2015 में वहां जांच कराई। एएसआई की टीम ने कार्बन डेटिंग की मदद से पता लगाया कि वो शिवलिंग 12वीं सदी का है। महादेवगढ़ मंदिर समिति की ओर से बताया गया कि ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष के वकील कुछ दिन पहले ही उनके यहाँ आए थे। उनके द्वारा हमसे यहाँ की जो इस मंदिर की रिपोर्ट मांगी गई। बताया गया कि सर्वे की बारीकियों को समझने के लिए हिंदू पक्ष के वकील महादेवगढ़ मंदिर में सर्वे की पुरानी रिपोर्ट अपने साथ ले गए। उधर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से सीमा हैदर पर यूपी एटीएस और जांच एजेंसियों ने पैनी नजर बनाए रखी है। हालांकि यूपी एटीएस ने उनसे पूछताछ में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलने का दावा किया था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से संदेह अभी भी हटा नहीं है, क्योंकि कई देश अपने दुश्मन देशों में ऐसे जासूसों को खड़ा करते हैं जो वहां लंबे समय तक रहते हुए गुपचुप तरीके से सूचनाएं भेजते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कहीं सीमा हैदर भी इसी तरह के प्लान का हिस्सा तो नहीं है, और उन्हें किसी खास मकसद के लिए ट्रेनिंग देकर लंबे समय तक भारत में रहने के लिए पाकिस्तान से भेजा गया हो। इतना ही नहीं, संभावना तो इस बात की भी जताई गई कि कहीं भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए ही तो नहीं सीमा ने सचिन को अपना मोहरा बनाया।